आज एक गुड डे है, बहुत अच्छा बेहतरीन दिन है और इस बेहतरीन दिन पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। चलिए बैठते रहिए। एक छोटी सी लाइन है, एक छोटी सी कहानी है, एक मेरा भी प्रेरणा है, एक मेरी जो है बात है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वो सबसे देखिए फर्स्ट एंड फाइनल बात है। मैं अब तक पढ़ता रहा या सुनता रहा या सोचता रहा देखता रहा, आइए इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है। हम कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, जो हमारा जीवन है वो बहुत अमूल्य है और शायद इतना अमूल्य है ना, इतना मूल्यवान है कि हम अगर सोचें तो शायद हम ईश्वर को या अपने माता पिता को या अपने मित्रों को या अपने परिवार समाज या देश को है ना, इसके लिए हम कुछ देने योग्य नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि हम है ना इसे रिबेट नहीं कर सकते, या उन्हें है ना उन्हें हम समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, या उनका हम है ना गुणगान या उपकार भुला नहीं सकते हैं। जरा सोचिए इतना अमूल्य जीवन है। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, वो कहानी यही इसी कोचिंग से बच्चों की कहानी है, सुनिएगा। एक बच्चा है जिसका नाम है, आप शायद इस क्लास में नहीं है ना, उस बच्चे का नाम है काफी मेरा पुराना मित्र भी कह सकते हैं या जानने वाला कह सकते हैं, उस बच्चे का नाम है मनोज कुशवाहा, है ना। देखिए मनोज कुशवाहा की एक कहानी है मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मनोज कुशवाहा की कहानी है कि उसके घर की जो स्थिति है, वो रहने वाला बच्चा जो है, क्योंकि मेरे क्लोजेस्ट में रहा, मुझसे मिलता रहा, वह बच्चा गाजीपुर जिले से है। अच्छा, गाजीपुर जिले से होने के साथ साथ वह काफी बदमाश बच्चा था, और बदमाश का मतलब था पढ़ने में भी वो जीरो था और घर वालों से भी बिल्कुल है नहीं कहते हैं, हमारे मम्मी पापा ने कहा, पिता ने कहा कि अरे यार तुम्हारा कुछ होना नहीं है, इस तरह का वह बच्चा था। इवन घर वाले भी उसे कहते थे जाओ यहाँ रहना नहीं है। अच्छा, इवन कमजोर भी था। हम कहते हैं कि भाई एक वर्ड होता है ना कि हमारे माँ बाप या पिता कौन नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमसे अच्छे पोस्ट पर जाए, पर एक शब्द होता है लाचारी, है ना। यह हम कह सकते हैं कि एक ऐसा है कि हम नहीं कर सकते, यह हम अपने आप को कहते हैं कि यार हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। तो वह बच्चा इलाहाबाद में आया और इलाहाबाद में आके अपनी मेहनत को साबित करते हुए है ना मेरे पास तक पहुंचा, और जब मेरे पास पहुंचा तो कंप्यूटर बहरहाल कहना नहीं चाहिए कि आप तो वैसे इतनी बार कह रहे हैं, इतनी बार बता रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कभी मैं अच्छा पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता रहा कि कहीं ना कहीं अभी भी कमी है और उस कमी को मैं दूर करता रहा। तो वो फाइनली बच्चा देखिए मनोज कुशवाहा फाइनली है ना यहाँ बैठा, पढ़ा और सेलेक्टेड हुआ, और जब वह सेलेक्टेड होता है तो देखिए इस समय उसकी पोस्टिंग है गोरखपुर में। अभी आज मॉर्निंग मुझसे बात हुई और इतना